भारतीय जनता पार्टी भू माफिया पार्टी बन गई है, कोई लहर नहीं है। ये जो बेरोजगार इसराइल जा रहे हैं, हमें तो बधाई देना चाहिए नीतीश जी को, कम से कम शुरुआत तो कर गए। मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। अगर कोई पुण्य काम होने जा रहा हो, कोई काम होने जा रहा हो और पीडीए के लोग दुखी हों, 90% आबादी वाले लोग दुखी हों, तो ऐसे पुण्य काम में उनको भी कम से कम भला होता। और अगर ज़मीन घोटाला हुआ है, वो भी अगर गोंडा है, बलरामपुर है या अयोध्या जैसी जगह पर, 3271 में सोचिए आप कल्पना करिए कि किस नाम पर, किस सरकार में इस तरह का घोटाला हो रहा है। अगले जी 2024 लोकसभा चुनाव में आप क्या संभावना देख रहे हैं? बीजेपी के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं, याद रखना आप। जहाँ कहीं भी जमीन कब्जा हो रही है और आप जांच करोगे तो वहाँ बीजेपी वाले ही मिलेंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भू माफिया पार्टी बन गई है। कोई लहर नहीं है, ये जो बेरोजगार इसराइल जा रहे हैं, ये जो बेरोजगार इसराइल जा रहे हैं और जो बेरोजगार इसराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी? और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप। जो पीड़ित हैं, दुखी अगड़े वो भी हैं, और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आदि आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी? भैया ये बताइए, आपकी पार्टी वो चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे आप, है ना, जातीय जनगणना की बात करते थे, अब नीतीश जी जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं, आपकी जातीय जनगणना का क्या होगा? नहीं, उनके जाने से मुद्दा थोड़ी खत्म हो जाता है। हमें तो बधाई देना चाहिए नीतीश जी को, कम से कम शुरुआत तो कर गए। ये बात अलग है कि वो कामयाब नहीं हुए, बीजेपी के लोगों ने कुछ जादू चला दिया, क्या किया उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन जो बात उठी है जाति जनगणना, आबादी के हिसाब से हक और सम्मान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी यही तो चाहते थे। हमारा संविधान यही तो रास्ता दिखाता है। हमारा संविधान ये कहता है कि हर जो पिछड़े दलित हैं उनको विशेष अवसर मिलने चाहिए, जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें विशेष अवसर मिलने चाहिए। तो आखिरकार क्यों नहीं मिले? तो उस दिशा में जो काम किया है, अगर वो काम पूरा नहीं कर पाए हैं तो समाजवादी लोग उस काम को पूरा करेंगे। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? राम मंदिर में तो निमंत्रण मिला था आपको। अपने आप मांगने से मिला, जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है।